बाप है, पवन सिंह का बाप बन गया है। अरे झांट औकात नहीं, झांट मूरी बराबर कुछ नहीं है। तू पवन सिंह क्या, पवन सिंह के फैंस के सामने तुम झांट के बाहर हो, हम लोग तुमको झांटे का बाहर समझते हैं। जानते हैं नीलकमल सिंह के अंदर इतना कूट कूट के घमंड कहां से भरा है। जी हाँ दोगला मुकुट सिंह, हमको पता है कि कहां से इतना घमंड भरा हुआ है। और तुम्हारा सब सवाल का जवाब देंगे, किस तरीके से तू कार्ड खेलता है और किस तरीके से नीलकमल सिंह के ऊपर जितना वीडियो बनवाता है एक जातीय विशेष को लेकर, इसके बारे में बात करेंगे। और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हेडफोन लगा लीजिएगा या फिर आवाज कम कर दीजिएगा, फैमिली में देख रहे हैं तो ये वीडियो फैमिली में देखने लायक शायद नहीं हो सकता है, इसका अम्मा बहन पे हम आ जाए तो रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और इसका सभी सवाल का जवाब देंगे, जिस तरीके से ये बार बार उंगली करता है तो आज तुम्हारा उंगली तुम्हारे अंदर ही डाल देंगे। तो देखिए वीडियो, एक अगला सवाल इसका क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद इसका जवाब देंगे। कमल सिंह को लगता है कि वो सोना के चैन पहन लेने से, मनोज तिवारी के प्रचार कर देने से, रवि किशन के साथ में खड़ा हो जाने से लगता है कि बाप है, पवन सिंह का बाप बन गया है वो। अरे झांट औकात नहीं, झांट मूरी बराबर कुछ नहीं है। तू पवन सिंह क्या, पवन सिंह के फैंस के सामने तुम झांट के बाहर हो, हम लोग तुमको झांटे का बाहर समझते हैं। इस चमन चुतिया को भी जवाब देना जरूरी है क्योंकि इसको भी दोगला मुकुट ने खड़ा किया है कि विरोध में वीडियो बनाओ नीलकमल सिंह के, ठीक है। तो इसका भी जवाब देना जरूरत है। जी क्या कहना है इसका कि नीलकमल सिंह रवि किशन के साथ में, मनोज तिवारी के साथ में, सबके साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो बोले कुछ नहीं है, बोले पवन सिंह के सामने तुम कुछ नहीं हो। तो एक बात बता देना, तुम्हारा पवन सिंह था पावर स्टार, भोजपुरी के सब स्टार के जाके नचवा दिया, काराकाट में जीत गया, कितना वोट मिला, शर्म लिहाज है कि नहीं तुम लोग को बताओ तो, तुम लोग को शर्म लिहाज है कि नहीं। और घमंड के बारे में बात करते हो, का कितना गाना बज रहा है तुम्हारा पावर स्टार का, और किस तरीके से बुरा हाल हुआ है जनता सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आई थी वो नहीं पता है। और तुमसे ज़्यादा हम तुमको गरिया सकते हैं पर हम थोड़ा मर्यादा रखते हैं क्योंकि हमारा वीडियो फैमिली भी देखते हैं। चलिए अब अगला है दोगला मुकुट का सवाल, उसका सुन लेते हैं, उसके बाद उसका जवाब देंगे। जी दोगला मुकुट सिंह भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार के साथ खड़े हैं, जी दो दो मेधावी रखने वाले के साथ में खड़े हैं, ये बोलो ना यार। अक्षर सिंह के साथ, ज्योति सिंह के साथ, तलाक के बाद में मिलन समारोह होता है इलेक्शन के लिए, ये चीज बताओ। और तुम करो बस सबसे बड़े स्टार, यानी कि उससे बड़े स्टार कोई नहीं थे, रवि किशन नहीं थे, मनोज तिवारी नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह ही एक स्टार भोजपुरी में है जो कि तुम्हारा पापा लगते हैं, तो पापा का पक्ष ले रहा है। तो अगला सवाल जल्दी जल्दी बोलो, सबका जवाब दीजिए। और इस सुनाई देने की वजह से ही नीलकमल सिंह जो है वो अपने घमंड को एकदम बाहर निकाल निकाल के दिखा रहे हैं। तो नीलकमल सिंह बज रहे हैं तो तुम्हारा फटने लग गया अभी से, कहे कि तुम्हारा पावर स्टार का पावर सील हो गया है। काराकाट में तो हुआ है किस तरीके से, पूरे तरीके से आले पता नहीं है तुम्हारे पापा, तो पापा का जब हाथ दिख तुमसे देखा नहीं जा रहा था, कहा विरोध बिना मतलब के कर रहा है, बिना लॉजिक का कर रहा है, इसमें कोई लॉजिक है कि गाना बज रहा है तो घमंड कर रहे? जी कर रहे हैं, तुम बजवाओ, तुम अपना बजवाओ, ग्लोबल म्यूजिक पे ट्रेंड कर रहा है, 200 मिलियन क्रॉस जा रहा है, और तुम्हारा उस गाने का उस चीज़ का भी जवाब देंगे जिस चीज़ के बारे में तुम्हारा अंदर चूर मचा हुआ था कि इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है, तो हम आगे कुछ भी बकचोदी कर दे और कुछ भी बोल के चल जाए। अगला सवाल बोल भैया, थोड़ा सा बोलिए भैया, थोड़ा एक बाइट बोल दीजिए भैया, मास्क उतार दीजिए, लेकिन नीलकमल सिंह नहीं उतारते हैं और ना ही अपने घमंड में थोड़ा सा भी कमी करते हैं। वाह बहुत सारी वाले, क्या तुम्हारे पास दिमाग है, तुमको ये पता नहीं है कि नीलकमल सिंह आज तक कोई बड़े चैनल को इंटरव्यू नहीं दिए, तो आर्थिक न्यूज क्या है और आर्थिक न्यूज का रोजी रोटी किससे चलता है, भोजपुरी से चलता है, तुमको जानना चाहिए। वो नीलकमल सिंह के बारे में कितना न्यूज बनाया है, कितना गाना को प्रमोट किया है, जरा लिख के बताओ हमको, क्यों इंटरव्यू दे दे भाई, क्यों दे दे, तुम हमारे गाने का प्रमोट करते हो जो तुमको इंटरव्यू दे दे, कितना गाने का प्रमोट किए हुआ है जो आरती न्यूज वाला नीलकमल सिंह का जो इंटरव्यू दे देते, वो आज तक और इतने बड़े बड़े एबीपी न्यूज चैनल को इंटरव्यू नहीं दिए, तो ये क्या है, ये क्या चीज है बताओ ना। और तुम क्या है पहले बताओ जो आके बकचोदी झाड़ रहा है इस पे। गायिका का जो लड़की गायिका है उसको मेंशन नहीं किया, कहा कि नहीं हम बज रहे हैं नंबर 1 पे, लेकिन इस बारे में तो ज्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि सबको पता है कि किस तरीके से चूतिया बनाने का पब्लिक का काम किया हुआ है, जाके पोस्टर पे देख सकते हैं कि नाम लिखा हुआ है उस पे, डायरेक्ट नाम लिखा हुआ है कि इस गाने को नीलकमल सिंह गाया हुआ और कल्पना पटवारी गाया हुआ, और इसको दिखाई नहीं दे रहा है और टैग नहीं किया गया है, इसको ज्यादा पता था कि टैग नहीं किया गया है, लोग को पता नहीं कि नीलकमल सिंह का गाना ये है या कल्पना पटवारी का। तुमको एक बात बता दे जानकारी के लिए कि उतना ज्यादा 6 मिलियन रील बना है ना, तो 6 मिलियन रील नीलकमल सिंह के वॉइस पे बना हुआ है कि जन्मा रे जान हो धूम करल सरिया, तो नीलकमल सिंह की आवाज में बना हुआ है, जाके देख लो गाना, उसके बाद में वीडियो बनाया करो, ठीक है। तुम्हारे पापा बोल दे तो आके कुछ भी बकचोदी नहीं किया करो। पवन सिंह के बाद अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में महिला को सबसे एक नंबर पे सुना जाता है तो कल्पना पटवारी है। दोगला सिंह मुकुट का बात सुनकर हमको हंसी आ रहा, पवन सिंह एक नंबर पे सुने जाते हैं,
जरा बताना तो अभी के डेट में कहाँ पवन सिंह का सबसे ज्यादा गाना बजता है, जो पुराना गाना था वो अब का बताना कि कहाँ 6 महीना साल भर से कहाँ बज रहा है उनका गाना, और कौन स्टार का बज रहा है सभी को पता है कि नीलकमल सिंह ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ बजते नहीं है और तुम्हारे जैसे को बजाते नहीं है। गाना शुरू से लेके अभी तक मजाल नहीं है कि वो एक भी अपना ओरिजिनल गाना गाए। मरना क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? दोगलाई का हद पार कर दिए। जी हाँ, दोगला सिंह मुकुट जी आप दोगलाई का हद पार कर दिए, और आपको बता दे कि भोजपुरी में जो जिसको तुम पापा कहते हो वो कितना गाना अपना गाया हुआ है भी बता देना, कितना गाना चोरी करके गाया हुआ है, म्यूजिक कहाँ कहाँ से मैच करता है, और भोजपुरी में कितने परसेंट ऐसा लोग है जो गाते हैं। दूसरा बात लॉजिक वाला बता दे जो तुमको पता नहीं हो, यूट्यूब पर आके पब्लिक को गलत संदेश देने से पहले इतना जान लिया करो कि अगर टी सीरीज भोजपुरी चैनल है तो टी सीरीज ओरिजिनल चैनल जो है वो हिंदी का है, अगर वो हिंदी का चैनल है और वो चाहता है कि हम अपना कंटेंट भोजपुरी में दे तो किसी भी स्टार से गवा सकता है। तुम्हारा पावर स्टार कितना हिंदी गाना गाए हुए जाके देख लो, और सब गाना कॉपी करके गाए हुए हैं भी जाके देख लो बड़े बड़े। तो कोई कंपनी अगर अपने कंपनी भोजपुरी में बैठाती है, उस कंपनी पर अगर कोई गाना गाता है भोजपुरी में हिंदी गाना, वो जिसका टी सीरीज का ओरिजिनल गाना है वो गवाता है, तो इसमें दिक्कत क्या है तुमको ये बताओ? स्पीड रिकॉर्ड है, जितने भी बड़े चैनल है जो भोजपुरी में है हिंदी में भी है, और हिंदी का गाना अगर कंपनी चाहती है कि हम किसी सिंगर से गवाए तो वो ये गवा रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? और दूसरी बात ये है कि तुमको काहे द्वारा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वो फिट बैठते हैं नीलकमल सिंह ही जो कि किसी भी स्टार का गाना सेम गा सकते हैं अपने आवाज में। अब शायद तुम्हारे पावर स्टार और तुम्हारे पापा नहीं बैठते होंगे, इसके वजह से उनसे नहीं गवाया जाता है और इसलिए नहीं बज रहा है, तो तुम्हारा फट रहा है। तो दोगला मुकुट एक सुधर जाओ, और वीडियो जो बनवाने का काम किए हो गाली दे देकर नीलकमल सिंह जी के वो बंद कर दो। चलिए, वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, बहुत मेहनत किए हैं ऐसे ऐसे चूतियों को धोने के लिए, तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।